ओके मैं ऑडिबल नाउ। हेलो सर, मैं ऑडिबल नाउ। थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन। आज टी डिस्टर्बेंस टी अधिक हो गला, सो प्लीज डोंट माइंड। एंड तो आम कौन देखुलु कि जो नेचर नेचर विषय आम डिस्कस कर, तो किसी स्कॉलर्स अच्छा निजर एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई करने, इट वाज जस्ट ए माइनर एपिसोड, इट वाज जस्ट ए सिपोई म्यूटिनी, इट वाज जस्ट लाइक एक्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ओके अनसिविलाइज रिएक्शन अगेंस्ट सिविलाइज, तो ए टाइप ऑफ सब कमेंट जाक देखते। बट कि स्कॉलर्स फॉरेनर्स भी अच्छा जमीक कार्ल मार्क्स एंड इजराइली हिंटिंग हिंट दे कि ना भाई देख, इट इज नेशनलिस्टिक इन नेचर एंड ब्रिटिशर्स मैंने निजर एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई करने देख एम कौन। बट आम पूरा फैक्ट्स अच्छे आम पाखे, आम ए जस्ट उपरे देखिलु, ओके चारिटा बड़ बड़ पॉइंट जोटा कि जस्ट पॉइंट टू डायरेक्टली आमको इंडिकेट हो जाए कि इट वाज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके सो ताकू सी हिसाब से नहीं तार नेचर को आमको लिखा पड़ो, ओके सो नेचर लास्ट में आमको कनक्लूजन लिखार अच्छे कि यहाँ एक्चुअली फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाई इट शुड कैरेक्टराइज इज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आम लिखि सारूँ, ओके सो एबे नेक्स्ट आम तार सिग्निफिकेन्स देखा, राइट सिग्निफिकेन्स एंड सिग्निफिकेन्स पूर्व आउ भी गोटे जिन अच्छे रही जाए हाँ कि आमर को इंडियन स्कॉलर्स मैंने आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहले से आम देखा, ओके तो मेनली फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस गोटे बही आम वि सावरकर लिखिं, यहाँ सब प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसपे कि वि सावरकर कौन कही अबाउट दिस रिवोल्ट कि इट वाज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किए कहते वि सावरकर। ओके आ गोटे बुक भी लिखी थे एस एन सेन 1857 से बही ना थिला 1857, तो सी 1857 रिवोल्ट उपरे गोटे बही के लिखी थे तो एस एन सेन लिखी थे, ओके आ गोटे ग्रेट स्कॉलर अच्छा आर सी मजुमदार तांके कौन कही तांके कहले कि इड़ा ना ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही इड़ा नेशनलिस्टिक इन नेचर, ना ही इड़ा एक्चुअली सिपोई म्यूटिनी, तो तांके एमती मानने कु भी जिनस ना बोली कहीदे नॉट ए नॉट ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट ए रिवोल्ट फॉर नेशनलिज्म, ओके नॉट ए सिपोई म्यूटिनी, तो ना ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही रिवोल्ट फॉर नेशनलिज्म, ना ही सिपोई म्यूटिनी, एमती तांके कहिछंती किए आर सी मजुमदार। जदि प्रिलिम्स रु क्वेश्चन आसी पारे कि किए कौन कहिथिले एमती साइड रे चारटा स्कॉलर्स मानकर ना दी देला एंड तांकर किए कौन कहिछंती ताकु मैच करो, तो से टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आसी पारे। ओके सो एबे देखिबा सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस रे फर्स्ट पॉइंट लिखंतु इट लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट ऑन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, तो आम इन द सब आग को नेक्स्ट क्लास जाकर आम देखा अबाउट रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कौन, जो माने एक्चुअली रिवोल्यूशन करती क्रांतिकारी करती क्रांति करती नेशनलिज्म,
तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म मैंने जे कि बिलीव करती आइडियोलोजी ऑफ गन पिस्तौल्स बम गोला बारूद ए टाइप ऑफ तांकर आइडियोलॉजी कि ईट का जवाब पत्थर से देंगे। ओके हमें भी वायलेंस रो मेथड को यूज करके हम देश को आजाद कर पार। तो डेट इज एक्चुअली रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सो इवन 1857 रिवोल्ट रे भी रिवोल्यूशन होता। ओके यूजिंग सोर्ड्स एंड वेपन्स एंड ऑल। सो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म रो ऊपर 1857 रो रिवोल्ट रो इम्प्रिंट आमको देखिया पे मिलबो। ओके सो मेनली 1857 रिवोल्ट रु इंस्पिरेशन नहीं चंती रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट माने एंड तापर निजर देश पे रिवोल्यूशन कर चंती। ओके सो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस कौन इट बिकम ए सिंबल ऑफ इट बिकेम ए सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम एमिटी। इट बिकेम ए सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम एमिटी। इट बिकेम ए सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम एमिटी। सर एमिटी मींस यूनिटी यूनिटी टाइप ऑफ। नेक्स्ट हाइड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट At the time of Quit India Movement, the spirit of the movement was once again revived. तो Quit India Movement हम पढ़ीबा कि it exceeded गांधीजी जिते भी रिवोल्ट थिला क्विट इंडिया मूवमेंट सबू बंधन को भांगी की आगे आगे पलि आसला इवेन तारे वायलेंस भी यूज होता एंड गांधीजी भी ये कि रखि नथिले। अर्लीयर सब रिवोल्टे टी वायलेंस है गांधीजी कहे कि चल बंद करदे वायलेंस इज नॉट आवर आइडियोलॉजी। बट क्विट इंडिया मूवमेंट आमको देखा मिलता कि सीढ़ी 1857 रो जो रिवोल्ट अच्छी तार मान स्पिरिट से जिनस अगेन वन्स अगेन आमको रिवाइव करिला पर प्रतीत है देखा मिलता। तो वी कैन से कि 1857 रिवोल्ट रु इंस्पिरेशन नहीं कि बहुत गुड़ा सब अलग रिवोल्ट जाक हो। ओके सो आम 1857 रो रिवोल्ट रो टोटल ए टू जेड सब प्रकार क्वेश्चन जाक आम देखल नेचर तार कौन सी पोएम उठी कहते कौन से कहना ना कौन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह तार सिग्निफिकेंस कौन। ओके सीटा केमिती होता को जगार एक्चुअली देखा केमी स्टार्ट होता कौनपाई होता ता पूर्व कौन कौन सी पोएम उठी नहीं था ये सब प्रकार जिनस आम प्राय सब देखल। ओके नेक्स्ट हूँ आउ गोटे 1857 रिवोल्ट ही गोटे सेक्शन अच्छी अबाउट द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट रे एक्चुअली आम गोटे क्वेश्चन आसी सारी यूपीएससी एंड ओपीएससी रो तो मु ओपीएससी रो हिस्ट्री ऑप्शनल्स मानक आसी सारी एंड यूपीएससी रे क्वेश्चन आसी सारी अबाउट कौन आसला कि हाउ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज चेंज्ड आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 रो रिवोल्ट पर ब्रिटिशर्स मैंने निजर एप्रोच को हिसाब से चेंज कले निजर एडमिनिस्ट्रेशन को हिसाब से चेंज कले निजर पॉलिसी को हिसाब से चेंज करते। ओके सो आम जो फाइनेंशियल फेज पढ़ा ताइरे भी क्वेश्चन रो आंसर आम से भी पढ़ी देवा प्लस ये भी किसी जिनस डायरेक्टली जब क्वेश्चन आसूँ कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1857
ओके तो ये भी किसी जिनस आम देखने ओके तो फर्स्ट जिनस कौन द एंड ऑफ कंपनी रूल एंड ऑफ कंपनी कंपनी जो रूल करूले खात्मा होगा एंड कंपनी रूल रो एंड होगा एंड आमर जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला से एडमिनिस्ट्रेशन एवं किए संभाल द ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके सो नाउ राइट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश क्राउन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश क्राउन एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट तांको माने ब्रिटिश गवर्नमेंट रो अंडर रे इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन चलिबो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो अंडर रे कंपनी रो हाथ रु पळेला एडमिनिस्ट्रेशन किए एवं संभालिबो एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट सीटा देखिबे सो दिस इज ए डिफरेंस ए जिनसो प्राय पिला माने बुझी पारंती नै कि कंपनी रो रूल चलथिला 1857 पूर्वरु कंपनी रूल करथला हम ओके बट 1857 रिवोल्ट परे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करिवो ओके थर्ड थर्ड जिनस कौन थर्ड चेंजेस बाय द रिजल्ट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे नुआ पोस्ट गोटे क्रिएट कराइब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इटा इटा बसिबो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सी एक्चुअली कोठी रहबो ब्रिटेन रे ओके बट से इंडिया पई काम करथबो सो गोटे नुआ पोस्ट गोटे तैयारी कराला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केमिति काम करिवो तापई गोटे 15 मेंबर रो काउंसिल 15 मेंबर रो काउंसिल गोटे अपॉइंट करा हबो एंड 15 मेंबर रो काउंसिल रो सपोर्ट रे माने ताकु असिस्ट करिवे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करिवे सो ए पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड फॉर इंडिया एंड ए 15 मेंबर काउंसिल वर क्रिएटेड टू असिस्ट हिम ताकु असिस्ट करिया पई गोटे 15 मेंबर रो काउंसिल भी सीटी एक्चुअली करा हितला कि से माने टोटल इंडियन मैटर्स को देखिवे इंडिया रे कौन होची कौन नेक्स्ट अमर इंडिया रे सेटा आम ब्रिटेन रो कथा देखिलु ब्रिटेन रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट हला आम इंडिया रे गोटे पोस्ट क्रिएट अच्छे जो गवर्नर जनरल जो थिले आमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो नाउ द गवर्नर जनरल जो थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से मानको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुआ जीवो ना से मानु केबे कोन कुआ जीवो वाइसरॉय कुआ जीवो वाइसरॉय वाइसरॉय माने जो माने कि जो ब्रिटिश क्राउन को जो माने ब्रिटिश क्राउन को लॉयल रहिबे ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉयल रहिबे ताकु कहबे तांके वाइसरॉय तो एबे गवर्नर जनरल जो थिले सी गवर्नर जनरल जिंती लास्ट सेटल लॉर्ड कैनिंग थिले ओके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड कैनिंग पोरे द फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट वाइसरॉय जदि क्वेश्चन आसुछि कि फर्स्ट वाइसरॉय किए थिले तो लॉर्ड कैनिंग ही थिले ओके लॉर्ड कैनिंग द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही हमें वाइसरॉय कहिबा एंड वाइसरॉय एबे कंपनी रो अंडर रे नथिबो सी ए ब्रिटिश गवर्नमेंट रो अंडर रे थिबो ओके नेक्स्ट कौन करा गला कि ऑन 1 नवंबर 1858 द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्ट्री प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्ट्री वाज अनाउंसड एटा कौन से माने अनाउंस कले कि क्वीन रो विक्ट्री हेची कंपनी जीती नहीं एक्चुअली क्वीन जीती ब्रिटिश गवर्नमेंट जीती चंती एंड से माने 1857 रिवोल्ट देखिले कि जिते भी प्रिंसली स्टेट रो राजा महाराजा मैंने रागी जाते ब्रिटिश कंपनी उपरे सो से माने तापरे क्वीन विक्ट्री रो प्रोक्लेमेशन करी ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला कि देखो कंपनी तुमको बेसी एक्सप्लोइट करूला आम मानुचु बट जिते भी राजा सरदार महारानी थे समस्त को प्लीज करागला से माने को खुशी करागला कि देखो सी कंपनी जो रूल करूला आम जानचु से खराब रूल करूला एवं आम रूल करूँ डोंट वरी तुम जहाँ भी एग्रीमेंट अच्छी तुम जहाँ भी ट्रीटी अच्छी सब को आम सी सबू ट्रीटी को आम ऑनर करिबु तुम टेंशन नियो नहीं
ओके तुमर सब ट्रिटी तुमर सब एग्रीमेंट तुमर जगह तो मेनली मानने राजा मानक प्लीजिंग करिया करने खुशी करिया करने सरदार को खुशी करिया करने चेष्टा करा कला राजा महाराजा मानक आम इंडिया दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ किन विक्ट्री नेक्स्ट इन सोशल एंड कल्चरल फील्ड मेनली सोशल एंड कल्चरल फील्ड रे बेसी इंटरफेरेंस करिथिले आमे देखिथिलु इंडस्ट्रियल फेज रे कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सोशल पॉलिसी एंड कल्चरल पॉलिसी रे भी इंटरफेरेंस करिथिले तो इन सोशल एंड कल्चरल फील्ड तापरे से माने गुटे लेसन मिलला तांके कहले कि द पॉलिसी ऑफ इंटर नॉन इंटरफेरेंस आमे इंटरफेरेंस करिवु नाही द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस The policy of non-interference was pursued. The policy of non-interference was pursued in the social and cultural field. What happened, Manorama? Sorry, sir. Okay, in social and cultural field, the policy of non-interference was pursued. मैंने खरा गला कि जो इंटरफेरेंस चली थिला एबे कौन करा गला द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एबे इंटरफेरेंस करिबु नहीं सो हम दी कहन थे कि आई परस्यूड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कुबी यूनिवर्सिटी बा कुबी कॉलेज तो यू हैव डन योर ग्रेजुएशन आई एम परस्यूइंग बाय एमबीए ए टाइप ऑफ जो कौन नेक्स्ट कौन इन मिलिटरी ये सब डिटेल रे हमें पढ़ा इन द फाइनेंशियल फेज बट इट जस्ट हमें टिके देखुचु फॉर इन जीएस पर्सपेक्टिव रू हमें देखुचु इन मिलिटरी फील्ड द इंडियन एलिमेंट्स In military field, the Indian elements were tried to be balanced by European element. Okay, in military field, the Indian element were tried to be balanced by European element. Amane kono? कि 1857 रिवोल्ट रे देखा मिलता कि पांचटा इंडियंस उपरे गोटे यूरोपियन को अपॉइंट करते गोटे ब्रिटिश ब्रिटिशर को अपॉइंट करते तो 5:1 रेसीो थिला तो 5:1 रो रेसीो थिला तो गोटे जन पांचटा इंडियंस को कंट्रोल कर पारिला नहीं एंड ई इंडियंस माने जो थिले शस्त्रागार को लुटिले वेपन्स को लुटिले तापर एम को मारे 1857 रिवोल्ट रे बहुत गुड़ा ऑफिसर्स माने मरीगले एंड इंडियंस माने मिसिकी मारले शस्त्रागार को लुटिकी तो कौन करा मिलिटरी फील्ड रे इंडियन एलिमेंट जो एक्स्ट्रा थिले पांच जन गोटे यूरोपियन पांचटा इंडियन तो देखिया मिले कि आमर ये रेसीोटा एक्चुअली भूल अच्छे एंड ये रेसीो भूल अच्छे बोली एक्चुअली इंडियंस मान मेजोरीटी अच्छी एंड से माने तांको कंट्रोल करिले एंड तापरे 1857 रो रिपोर्ट एते बड़ा हला तो एबे कौन करागला कि 5:1 रो रेसीो मिलिटरी फील्ड रे न रखिकी 2:1 करदेले कि दुईटा इंडियन उपरे गुटे मिलिटरी सॉरी गुटे ब्रिटिशर रहिबो एंड सी आराम से तापे कंट्रोल करिबो एंड जो बड़ो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बा स्ट्रेटेजिक जगह बा जिमती कि अस्त्रागार हो गला हां जोठी कि वेपन्स मान रखा जाउची सेठी एक्चुअली पार्टिकुलरली इंडियंस मान को तैनात आउ कले नहीं इंडियंस मान को कले कि तमे सेठी नहीं ब्रिटिशर्स मान को हमें सेठी अपॉइंट करियो तो मेनली कोरिया को कोन गला कि तांके निज को अलर्ट कर देले ओके कि कहते ना कि मुह जलीगले पा भी फुंकी फुंकी पिंती तो सी टाइप अफ जिन कि जिते जान लें 1857 रिवोल्ट रे एमती सिपाही मैंने एमती सब कर शस्त्रागार लुटिंट तो शस्त्रागार कहले कि आम ब्रिटिशर्स मानक अपॉइंट करूँ एंड जो 5:1 रेसीो थी ए 2:1 हो गला दुईटा इंडियंस गोटे ब्रिटिशर्स मैंने रही ओके तो सो कौन करागला कि द इंडियन एलिमेंट वेर ट्राई टू बी बैलेंस बाय यूरोपियन एलिमेंट
ओके सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ 1857। सो एबे नेक्स्ट कौन आमर रहिला एबे नेक्स्ट आमे देखिबा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। एंड आर आकु भी नहीं कि प्रिलिम्स रे भी क्वेश्चन आउछि मेंस रे भी क्वेश्चन आउछि सो इंपोर्टेंट जिंसो। एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सरिला पोरे तापरे आमे देखिबा अबाउट आमर फाइनेंशियल फेज 1857 ऑनवर्ड्स केमिति कोन ब्रिटिशर्स मानकर सोशल पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसी कल्चरल पॉलिसी सब जिंसो को डिस्कस करबा। ओके तो आमे फर्स्ट बुझे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कोन। ओके तो मेनली सोसाइटी रे बहुत प्रकार कुप्रथा चलता कुप्रथा। ओके जेंती सती प्रथा पर्दा प्रथा वुमेन्स मानक एजुकेशन नहीं दिया जीवन नहीं डिसीजन मेकिंग करा जीवन नहीं विडोज मानकर जो लाइफ बहुत ही माने से माने किसी भी एंजॉय कर पारे ना से मानकु पूर्व जन्म रे सेटा तांकर कर्मफल सेटा एंड सी कर्मफल लागी से मानकु प्राय पूरा जदि तांकर वाइफ हस्बैंड मरी जाइछंती तो वाइफ अल्टीमेट एंटायर विडोहुड विडो हेकि रहिबे। ओके सो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी रे कुप्रथा जाक चलता तो सी सोसाइटी को रिफॉर्म करिया पई गुटे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स माने आसीले से टाइम रे जेंती कि हमर राजा राम मोहन रॉय अछंती दयानंद सरस्वती अछंती स्वामी विवेकानंद अछंती एम जी रनाडे ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल एज रिलीजियस रिफॉर्मर्स जेकि रिलीजन रे भी बिकज रिलीजन रो भी गोटे एक्चुअली रिलीजन एंड सोसाइटी एटा क्लोजली लिंक्ड होइकि अछि। ओके तो रिलीजन रे भी डिफरेंट डिफरेंट जो कुप्रथा जाक थिला मेनली रिलीजन को नहीं तो अधिक कुप्रथा जाक सृष्टि होइछि। रिलीजन इज ए गुड थिंग बट जिनस कौन कि सेठ जो लोक मैंने तार जो मिसयूटिलाइजेसन करी नुआ नुआ प्रथा तांके क्रिएट करिछंती दैट इज एक्चुअली ए कॉज ऑफ कंसर्न। एंड सी रिलीजन को नहीं कि मझेरे एक्चुअली ढोंगी बाबा मैंने बहुत पलि आसते डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोक मैंने रिलीजन को नहीं कि गोटे अलग इश्यू कर दे थे सो मूर्ति पूजा को नहीं कि एबे भी बहुत गुड़ाए सब बाबा मैंने अच्छा ढोंगी बाबा मैंने जेकि रिलीजन को नहीं कि संस्था जाक चलुच्छे रिलीजन रो मिसयूज करा हो तो सेमती रिलीजन को मिसयूज बहुत करा जाउतला से टाइम मूर्ति पूजा को नहीं कि तापर डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस ह्यूमन सेक्रीफाइसेस अदर काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस भी दिया जाउतला। तो ये सब सोसाइटी रे जो भी कुप्रथा थिला बा रिलीजन को नहीं कि भी जो भी कुप्रथा थिला ताकु रिफॉर्म करिया पई गुटे से रिफॉर्म भी कोन पई हेतला सेडा भी डिस्कस करबा बट से रिफॉर्म पई डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुटे वर्ग गुटे बुद्धिजीवी गुटे इंटेलेक्चुअल्स माने आसीले एंड इंटेलेक्चुअल्स माने ही तापर सोसाइटी रे सब जिनस रे क्वेश्चनिंग करिया स्टार्ट करले इट इज कौन पई होची व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट तो गोटे रेशनालिज्म को नहीं कि से माने क्वेश्चनिंग करले अबाउट ऑल द रिफॉर्म्स सॉरी अबाउट द ऑल द प्रथा ऑल द टाबू माने कौन ए टाइप ऑफ प्रथा जाक जोटा कि सुपरस्टिशियस अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीफ बेसी चलुला तो ये सब जिनस को नहीं कि कौन कले कि क्वेश्चनिंग करिया स्टार्ट कले एंड आफ्टर क्वेश्चनिंग ईच एंड एव्रीथिंग रिफॉर्म को इनिशिएट करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स कले कि तुम्हें रिफॉर्म नियो इट इज इट्स ए ब्लंट इन आवर सोसाइटी ब्लंट माने काला धब्बा इन आवर सोसाइटी ताकु एक्चुअली से माने बहुत गुड़ाए कैंपेनिंग करी बहुत गुड़ाए रिफॉर्म्स निजे करी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली कहले कि एक्चुअली सोसाइटी रे रिफॉर्म दरकार एंड बहुत गुड़ा रिफॉर्म जाक से आनीटा कि आम पढ़ा इन दि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके तो फास्ट आम बुझा कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो आसी कौन पे आसी व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड दि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके फास्ट राइट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल राइट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल The impact of British rule produced
प्रड्यूस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल प्रड्यूस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट दैट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कौन लिखिले द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट दैट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ब्रिटिश रूल रही इम्पैक्ट आपको कहले चले बिकज इंटेलेक्चुअल्स मैंने जो आसिले से ये जो इंटेलिजेंस आसला कौड़ू ओके सो ओके ठीक अच्छे जहाँ भी हो फर्स्ट देखो कोजेस व्हाट आर द कोजेस बिहाइंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो फर्स्ट कोजेस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ कल्चरल रीडिस्कवरी The impact of program of cultural rediscovery by Orientalist scholar. तो मुँ कही थी ओरिएंटलिज्म ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स मैंने आमर इंडियन पास्ट आमर इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई करती आमर इंडियन पास्ट को खोजती एंड आमर इंडियन कल्चर इन द एनसीएंट टाइम इन द मीडियल टाइम एक्चुअली ताकू पल्यूट हो गला आमर कल्चर बट एनसीएंट टाइम जो देखिए दैट वाज द प्योर कल्चर सब कुछ साइंटिफिक बेसिस रे सब जिन गुटे बहुत भल भाव कार्व कराई आमर कल्चर को सो इट्स लाइक ए गोल्डन कल्चर ऑफ आवर कंट्री सो जो कल्चरल रीडिस्कवरी करागला बाय ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर मैंने तो जो रीडिस्कवरी करागला तो सब ईच एंड एवरी फैक्ट्स जाक जो जान लें कि एनसीएंट टाइम रे इटा थिला बट मीडिएवल टाइम रे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स माने ताकु इम्प्योर कर दिछंती ओके सो तापर सो रीडिस्कवरी हला हमर कल्चर रो जो रीडिस्कवरी हला तो ताकु नै कि ही तार इम्पैक्ट स्टार्ट हला कि आमे सोसाइटी रे एबे जो पोल्यूट हो जाइछि सोसाइटी रे कल्चर एंड सोसाइटी जो पोल्यूट हो जाइछि बिकॉज ऑफ दैट मीडिएवल मीडिएवल पीरियड रे जो डिफरेंट डिफरेंट लोक माने तांकर जो एडिशन कले सो तापै पोल्यूट हो जाइछि तो ताकु पुनी रीडिस्कवरी करिया को पड़िबो सो तार ही इम्पैक्ट देखा मिलेगा कि आमको तो फिर जहाँ भी पल्यूट हो जहाँ भी मिस कनसेप्शन ब्लाइंड बिलीफ सुपरस्टिशियस जिनस जाक अच्छी रिमूव करा पड़ो सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कल्चरल रीडिस्कवरी जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स मैंने कले से जाना मिलला कि आम रियल कल्चर कौन एंड सी रियल कल्चर को बेसिस करके ही सोसाइटी में जिते भी इम्प्यूरीटी अच्छे रिमूव करने चेस्टा कले सो दैट इज द फर्स्ट कॉज कल्चरल रीडिस्कवरी सेकेंड कॉज कौन द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन आपको भी आम ठुकरे पारा ना जो इंग्लिश एजुकेशन जो मिलला आम देख लु बहुत गुड़िया लोक इंग्लिश एजुकेशन मिलला डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी सो इंग्लिश एजुकेशन जो डिफरेंट डिफरेंट लोक मानक मिलला एंड बहुत गुड़िया इंडियंस मैंने इवेन ब्रिटेन रे जाकि भी पाठ पढ़ी आसुले से टाइम तो आमर भी राजा महाराजार छुआ मैंने बाहर जाकि पढ़ुते सो द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सो इंग्लिश एजुकेशन जहाँ को मिलला तो तार एक्चुअली इंग्लिश एजुकेशन रे ही जितने प्रभाव पड़ो इवेन देखूँ जहाँ को एजुकेशन मिले तो ताकू गोटे डिफरेंट तार मेंटालिटी अलग हो जाए तार भाविवार शैली अलग होके तो सिमिलरली आम सिविल सर्वेंट्स मान मानने जे सिविल सर्वेंट ही न पारा बट जदि यू आर एक्चुअली ई धारा आमर जो प्रिपेरेसन स्टेज को जदि फॉलो कर योर थिंकिंग विल बी डेवलप यू विल थिंक डिफरेंटली एंड यू विल बी ए यूनिक पर्सन इन योर लोकालीटी ओके आपणकर लोकालीटी रे आपण कोठी भी ठिया जांतु सेठी आपणकर जो थिंकिंग अछि दैट इज समथिंग माने यूनिक हे के आसीबो ओडे अलग प्रकार भाबिबे एंड सबटू आग माने फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग पळे आसीबो सो द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन दैट इज आल्सो इंग्लिश एजुकेशन लागि भी सोसाइटी रे रिफॉर्म आनिया पे चेष्टा करा जाइतला नेक्स्ट थर्ड इज
द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेशन फॉर सोशल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म पे आम देखी सोशल पॉलिसी रे कि ब्रिटिशर्स माने कौन कौन लेजिस्लेशन बा कानून तैयारी करी थिले, तो सी कानून लागी भी एक्चुअली सोसाइटी रे रिफॉर्म किछिटा आसी थिला। नेक्स्ट फोर्थ इज रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ई क्रिश्चियन मिशनरीज माने भी सोसाइटी रे रिफॉर्म पे बहुत काम कर जंती। द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज माने सबुबेले एजुकेशन केमती प्रमोट करियार अछि, स्प्रेड करियार अछि, सोसाइटी रे कुप्रथा बा जते भी प्रथा अछि ताकु केमती कम करियार अछि, तो ई सबु तांके चलि थांदि। द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड रिफॉर्म। तो तांके बहुत गुडे रिफॉर्म्स भी आनी निजे, इवन इन ओडिशा रे भी नरबळी प्रथा चलथिला ताकु भी कर्व करिया पई टेकल करिया पई क्रिश्चियन मिशनरीज माने आगु को आस्थिले एंड बहुत गुडे सब काम करथिले ओडिशा रो एजुकेशन पई। सो दिज आर द इम्पोर्टेंट कॉजेस बिहाइंड द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड गोटे है कल्चरल रीडिस्कवरी, सेकेंड इज इंग्लिश एजुकेशन, एंड थर्ड इज ब्रिटिश लेजिस्लेशन, एंड फोर्थ इज क्रिश्चियन मिशनरीज। ये चारिटा मुख्य कॉजेस थिला जोटा कि आम सोसाइटी रे जो कुप्रथा थिला सोसाइटी रे रिलीजन रे ताकु रिफॉर्म करियार मूवमेंट स्टार्ट होता। ओके एंड कौन कौन मूवमेंट स्टार्ट होता किए किए इंपोर्टेंट रिफॉर्मर थे सीटा आम नेक्स्ट क्लास बुझाप चेस्टा करवा। ओके नोट्स मुझे पूरा अपडेट कर दे, प्रिलिम्स कैप्सूलटा भी आज अपडेट करदेवी। ओके डोंट वरी, तापर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी अपडेट करदेवी इन द इन दिस वीक। ओके सो मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे। ओके आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसुव, जदि किसी डाउट थी नेक्स्ट क्लास पचारे एंड मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे। ऑल द बेस्ट। ओके जय जगन्नाथ। या वेलकम।